हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स कितने कॉमन है ये तो हम सबको पता ही है। यहाँ तक कि हमारी कंट्री में डेथ के रीजंस में से एक बड़ा रीजन भी यही है। मोस्टली इन एक्सीडेंट्स की वजह ड्राइवर्स की केयरलेसनेस होती है। और ऐसा ही एक और केस सामने आया है महाराष्ट्र में, जहाँ हाल ही में एक टैंकर के ड्राइवर की गलती की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला। ये एक्सीडेंट संडे को पुणे के नवेल ब्रिज एरिया में हुआ, जिसमें टैंकर ने ब्रेक फेलियर की वजह से करीब 45 व्हीकल्स को टक्कर मार दी। ऐसा माना जा रहा है कि इस एक्सीडेंट के दौरान बहुत से लोगों को काफी इंजरीज हुई हैं। हालांकि ये इंजरीज किस टाइप की हैं और कितनी सीवियर है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोकल पुलिस स्टेशन द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन की माने तो ये इंसिडेंट नवेल ब्रिज एरिया में शाम के 8:30 बजे हुआ था, जिसके बाद इस एरिया में रेस्क्यू मैन्स और एम्बुलेंसेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। PMRDA फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर सुजीत पाटिल ने कहा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग एक टैंकर जिसका सस्पेक्टेडली ब्रेक फेल हो गया था, उसने 40 व्हीकल्स को टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ व्हीकल्स में इंजर्ड लोगों को आसपास के सिटीजंस नजदीक के हॉस्पिटल्स में ले गए। पर अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि इस इंसिडेंट्स में कितने लोग इंजर्ड है और उनकी इंजरीज किस टाइप की है। उन्होंने आगे बताया कि डिपार्टमेंट से एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू टीम एक्सीडेंट के स्पॉट पर पहुंच चुकी है और उन्होंने रिलीफ अलर्ट भी लॉन्च कर दिया है। वहीं अगर लोकल मीडिया की माने तो जब टैंकर का ब्रेक फेल हुआ और वह दूसरे व्हीकल से टकराया, उसी टक्कर के दौरान रोड पर ऑयल स्पिल हो गया और उसी की वजह से इस एक्सीडेंट में हिट हुए व्हीकल्स का नंबर और भी बढ़ गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स है कि मुंबई को जाने वाली इस रोड पर एक्सीडेंट की वजह से काफी लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि यह जाम करीब 2 किलोमीटर तक लंबा है। वैसे अगर पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो नवेल ब्रिज एक्सीडेंट्स का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी ब्रिज के पास ही आउटर रिंग रोड पर फ्राइडे को स्पीडिंग कार से हिट होने की बजाय एक महिला की भी मौत हो गई थी। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2021 में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया में करीब 1.73 लाख लोगों की मौत हो गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया में एक कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।